आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी जी। आइए जानते हैं सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दे रही है वो कितना किसानों के लिए और आम लोगों के लिए कितना कारगर साबित होगा। ये पैकेज जो है जो सरकार फेल हो गई, कोरोना के समय जो सारी दुकानें बंद हो गई, सारे प्रतिष्ठान बंद हो गए, हॉस्पिटल बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, जो किसान की फसलें बर्बाद हो गई ओलावृष्टि से, आंधी से, पानी से, चक्रवात से, उसको ये मदद नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। गरीबों की नहीं मदद कर पा रही है, प्रवासी मजदूरों की नहीं मदद कर पा रही है, उसे ध्यान भटकाने के लिए ये कोरा एक आश्वासन है, झूठा आश्वासन है। 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है ये लोगों को दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए। अब जैसे आज ही आप देखें जो वित्त मंत्री ने कल घोषणा की कि हम किसानों को और रेहड़ी वालों को सस्ते कर्ज देंगे, कर्ज देंगे, सहायता नहीं देंगे, कर्ज देंगे। कर्ज कौन देगा? कोऑपरेटिव बैंक और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात मान लीजिए, यहाँ एक दो जिला के छोड़ करके सारे कोऑपरेटिव बैंक खुद एक कर्ज से लदे हैं, वो खुद सरकार से पैकेज मार रहे हैं जीने के लिए, वो कहाँ से कर्ज देंगे? आपको याद होगा नोटबंदी में भी सहकारी बैंकों में पैसा जमा करने के लिए मनाही थी, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लगभग वही हालत है। किसान तो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, फिर आप कर्ज से उसको दबाना चाहते हैं, आत्महत्या करवाना चाहते हैं। आपको चाहिए कि किसान को कम से कम 20 लाख रुपये की मदद, रेहड़ी लगाने वालों को कम से कम 10 लाख की मदद फ्री में करनी चाहिए थी कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन आप तो कर्ज दे रहे हैं, ये पैकेज क्या हुआ? पहले भी कर्ज लोग लेते रहे हैं किसान, हर दुकानदार, रेहड़ी वाले, हर आदमी, छोटा बड़ा, रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा खरीदने के लिए, एका खरीदने के लिए, दुकान के लिए, तो लोन पहले से लोग बैंकों से ले रहे हैं, इसमें नया है क्या? तो केवल लोगों का दिमाग भटकाने के लिए इस पैकेज की घोषणा हुई है। और धीरे धीरे महीना दिन चलेगा पैकेज, भाई एक ही दिन घोषणा हो जाती कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन स्टेप बाई हो रहा है। एक आज प्रदेश का प्रयोग कर ले, फिर दूसरा एक हफ्ते चार दिन के बाद एक प्रयोग कर, मैंने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र की हो प्रदेश की, इस बात को मान बैठी हैं कि हम कैसे लोगों का दिमाग भ्रमित करके वोट लें। वो राहत का काम नहीं दे रहे हैं, केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। इस आफत के समय में भी वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आफत के समय जब पूरा देश संकट में पड़ा हुआ है, गांव-गांव उनके आर एस एस कर करता मुसलमानों के विषय में 20 बो रहे हैं, उनकी सब्जी मत खरीदिए, थूक लगा रहे हैं, उनका सामान मत खरीदिए, वो उसमें कोरोना डाले हुए हैं, तबलीगी जमात है, जैसे ऐसा दिखाया कि पुड़िया रखे हुए हैं कोरोना का, तुरंत छिड़क दे रहे हैं, थूक दिया, ये मुसलमान ने थूक दिया, कोरोना पैदा हो गया। तो इस तरह की उन लोगों की भावना केवल हिंदू मुसलमान, और आज भी वोट की राजनीति तो केवल कर रहे हैं, जनता के हित की उनकी कोई इच्छा नहीं है। लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जो पलायन मजदूर हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं, पलायन रुक नहीं रहा जबकि सरकार लगातार आश्वासन दे रही है, इसको कैसे दें? इसलिए कि सरकार की कोई सुनियोजित नीति नहीं है, अनियोजित है। लॉकडाउन भी अनियोजित हुआ, बिना किसी तैयारी के, जैसे नोटबंदी बिना किसी तैयारी की हो गई, वैसे ही लॉकडाउन भी बिना किसी तैयारी के हो गया। मजदूर जहाँ है, जिस स्टेट में है, खाने बिना मर रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हो। मैंने गृह मंत्री जी को कम से कम महीनों पहले मैंने एक पत्र लिखा था कि बलिया, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के मजदूर, उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम प्रदेशों में गए हैं अपना रोजगार करने के लिए, कमाने के लिए, परिवार पालने के लिए,
उन बहुत कष्ट में है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनको वहाँ के उस स्टेट के मुख्यमंत्री से, स्टेट के पुलिस बड़े अधिकारी से, स्टेट के बड़े आईएएस अफसर से कह करके उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था कराने की सुनिश्चित करा है। कुछ नहीं हुआ, भागे जा रहे हैं पैदल, बच्चे, गर्भवती महिला, एक तरफ बैल, एक बैलगाड़ी खींच रहा है, एक तरफ बैल, एक तरफ मानव है, एक गर्भवती महिला टैची खींच रही है, उस पर लड़का सोया हुआ है, उसकी उसकी देवरानी भी गर्भवती है। कितने लोग, सैकड़ों लोग मर गए पैदल चलते, साइकिल से चलते, बुखार से, गाड़ियों से कुचल करके, दीवार से। वो तो जहां आप लोग जा रहे हैं दिखला दे रहे हैं, जहां पत्रकार लोग जा रहे हैं दिखला दे रहे हैं, लिखते रहे हैं, आप लोग जहां देख रहे हैं दिखला दे रहे हैं, ऐसी जगह पर भी मौतें हुई हैं प्रवासी मजदूरों की, जहाँ चैनल अखबार के लोग पहुँचे भी नहीं, ना उनकी खबर हुई है। बहुत दुखद समय है, सरकार केवल वोट की राजनीति कर रही है, न उसको किसान की चिंता, न प्रवासी मजदूरों की चिंता, न गरीब की चिंता, न मध्यम वर्ग की चिंता, न मध्यम वर्ग के कर्मचारियों की चिंता। इस कष्टमय समय में उन्होंने श्रमिकों की जो कानून बनाया गया था उनके हितों की रक्षा के लिए, उसको 3 साल के लिए निलंबित कर दिया। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के जो वेतन, जो भत्ते थे 6-7 तरीके के, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो फिर कर क्या रहे हैं, गांव में राशन बट नहीं रहा है, जो क्वारंटीन लोग थे उनको भोजन की व्यवस्था थी नहीं, जब हल्ला हुआ आप लोगों ने किया, हम लोगों ने किया, अब सोशल मीडिया पर चला, चैनल पर चला, अखबार में लिखा गया, तो उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करने के बजाय सरकार पुनः अब जो मजदूर आ रहे हैं उनको उनके घर भेज दे रही है कि अपने घर में क्वारंटीन रहिए। तो आखिर में सरकार का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, हम ये जानना चाहते। जब से लॉकडाउन हुआ है गांव के गरीब मजदूर, श्रमिक, मध्यम वर्ग के कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए, उनके कष्टों को बराबर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार को सूचनाएं दे रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की कोई बात सुनने वाली नहीं है। मैं स्वयं एक चिट्ठी लिखा इन सब बातों पर कि टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, इस पर आप गौर करिए। तो उन्होंने लिख दिया कि आप निराशा का आरोप मत लगाइए, सब अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं। शराब की दुकानों को कैसे देखते हैं, एक तरफ लॉकडाउन के चलते क्राइम कम हुआ था और अब सरकार ने शराब की दुकानें अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए खोल दी, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहें? जब भी कोई आफत विपत्ति आई है, आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो ऐसे ही एक महामारी 18वीं सदी के अंत में आई थी, इसमें देश और दुनिया में करोड़ों लोग मरे, उस समय भी मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, बौद्ध स्थल, बौद्ध मठ कभी बंद नहीं हुए। फिर इस देश में प्लेग की बीमारी आई, वो भी छुआछूत की थी, लाखों लोग मरे हिंदुस्तान में, कभी देवी देवताओं के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, बौद्ध स्थान बंद नहीं हुए। उसके बाद हैजे की बीमारी आई, वो भी छुआछूत की थी, लाखों लोग मरे, कभी देवी देवताओं के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, बौद्ध मठ बंद नहीं हुए। उसके बाद चेचक की महामारी आई इसी देश में, लाखों लोग मर गए, वो भी छुआछूत की बीमारी थी, लेकिन कभी भी देवी देवताओं के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बौद्ध मठ कभी बंद नहीं हुए। और जो राम राज की कल्पना करती है सरकार, उसने सारे देवी देवताओं के मंदिर बंद कर दिया, मस्जिदों को बंद कर दिया, गुरुद्वारों को बंद कर दिया, गिरजाघरों को बंद कर दिया, बौद्ध के मठों को बंद कर दिया, और एक जानलेवा जो शराब एक जहर जमाम जैसा है उसको बेचने की खुली छूट दे दी। और आपने देखा कि 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ गई। यही नहीं, जिसको थूकने पर ये गिरफ्तार कर रहे हैं, गुटखा पान मसाला की दुकानें खोलने की आर्डर दे दिया, बेचने के कर दिया प्रावधान, और उसको निर्माण करने का भी प्रावधान कर दिया, लेकिन फिर भी देवी देवताओं के मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर, बौद्ध मठ बंद है, राम ताले में बंद है, और शराब सड़क पर नाच रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए
नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी थे, इन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ना तो गरीबों के हित में, ना किसानों के हित में, ना श्रमिक मजदूरों के हित में किसी भी तरीके का काम कर रही है, केवल सरकार दिखावा कर रही है। कैमरन वीरेन के साथ रेहान वारसी, लखनऊ।